आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने कोई ऑनलाइन प्लांट्स मंगवाए हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त, ये सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है और मुझे अभी ही ये रिसीव हुआ है। ऑनलाइन मैंने कुछ प्लांट्स परचेज़ किए हैं और मैं काफ़ी अरसे से मैं तलाश कर रहा था कि मैंने कैलनकोई को ग्रो नहीं किया था। कैलनचोई भी बोला जाता है, कैलनकोई भी बोला जाता है। तो मुझे ऑनलाइन कुछ वेंडर्स का मैंने ऐड देखा, उसमें वो ऑफर कर रहे थे कैलनकोई के मुख्तलिफ कलर्स को, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको परचेज़ किया जाए। देसी वैराइटीज़ तो मिल रही थी मुझे लोकल नर्सरी से, लेकिन मैं जो ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं, हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ अच्छे अच्छे कलर्स की, मैं वो लेना चाह रहा था, तो वो मुझे फाइनली मिल गई। तो ये मैं जो बॉक्सेस को साथ साथ अनपैक करता हूँ, अनबॉक्स करता हूँ। तो कैलनकोई जो है बेसिकली सकुलेंट वैराइटी का प्लांट है, और उसमें मॉइस्चर रिटेन रहता है और बहुत अच्छी खूबसूरत फ्लोरिंग होती है जो हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं। तो ये मैंने कुछ मंगवाई हैं, उसमें ये है कि हम उसको कैलनकोई जो है उसको मॉर्निंग की आप अगर सन प्रोवाइड करते हैं कुछ घंटे की तो सही रहता है। फुल सन में अगर रखेंगे तो थोड़ा प्लांट जो है उस तरीके से ग्रो सही से नहीं करेगा, ख़राब होने के चांसेस हैं। और कम्प्लीटली शेड में भी अगर रखते हैं तो भी उस तरीके से फ्लॉरिंग उसकी नहीं होगी। तो इसको जो है सकुलेंट वैराइटी का प्लांट है, इसलिए इसको आपने वेल ड्रेनिंग सॉइल देनी है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा वाटर इसको नहीं ऑफर करना। तो ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ इसको साथ साथ, इसकी अभी पैकिंग देख लेते हैं पैकिंग किस तरीके से। पैकिंग इन्होंने अच्छी ही की हुई है, कार्डबोर्ड भी रखे हुए हैं ताकि प्लांट जो है डिस्टर्ब ना हो। तो ये मैं साथ साथ इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, पैकिंग इन्होंने अच्छी की हुई है, ये अच्छे से रैप किया हुआ है न्यूज़पेपर में भी, ताकि प्लांट जो है उसकी स्टेम्स वगैरह या ब्रांचेस वगैरह टूटे नहीं। तो ये मैं साथ साथ इसको केयरफुली टेप को रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जो बाइंडिंग टेप इन्होंने लगा रखी है। मैंने फर्स्ट टाइम इनसे ये मंगवाए हैं, जो ये वेंडर हैं इनसे प्लांट्स मंगवाए हैं, तीन प्लांट्स मैंने मंगवाए हैं तीन कलर्स के लिए। इसमें पिंक मैंने बताया था उनको, लाइट पिंक से शेड में एक थोड़ा सा ब्राइट पिंक में था, और एक पीच और ऑरेंज से शेड में था। तो देखते हैं अभी किस तरह से ये प्लांट्स हैं, इनके ऊपर फ्लॉरिंग भी हो रही है। प्लांट्स तो देखने में हेल्दी लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑरेंज कलर का ये इसके फ्लावर्स हैं, और इसके लीव्स जो हैं बहुत फ्लैशी से होते हैं, वाटर इसमें स्टोर रहता है। तो थोड़े से लीव्स हुए हुए हैं इस तरीके से फोल्ड करने से, थोड़े से ख़राब से लग रहे हैं, लेकिन अदरवाइज प्लांट जो हैं हेल्दी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई इतना इशू नहीं है। इन्होंने कॉटन भी डाल रखी है साथ में, ताकि लीव्स और ये जो उसके फ्लावर्स हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्टेंस से आते हैं तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ब्रांचेस टूटने के भी। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इनकी पैकिंग से, अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजे हैं। तो ये पिंक कलर का था एक, पहले वो जो पीच सा ऑरेंज सा कलर का मैंने आपको दिखाया, और ये वाला जो है थोड़ा ब्राइट पिंक कलर का है। तो ये बंचेस में आते हैं और बहुत टाइम तक ये ब्लूम करते रहते हैं, अराउंड वन मंथ तो ये ब्लूम किए रखते हैं फूलेट के ऊपर। कैलनकोई को जो फ्लॉरिंग के लिए चाहिए होता है वो लाइट रिक्वायरमेंट इसकी ऐसी होती है कि इसको डार्क पीरियड या नाइट जो टाइम होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है, और डे लाइट जो है इसको कम चाहिए होती है ड्यूरेशन वाइज, तब जाके फ्लॉरिंग करता है। इसको आप समर में भी ब्लूमिंग करवा सकते हैं अगर आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ का पता लग जाए किस तरीके से ये ब्लूमिंग करता है, कि इसको डार्क टाइम जो है नाइट टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि विंटर्स में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, शॉर्ट डे होते हैं, इस वजह से फिर उस टाइम पे ये ब्लूमिंग करता है। जबकि गर्मियों में डे का टाइम लंबा होता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है,
तो उस वजह से फिर ये समझ में प्रूव नहीं करते। अलबत्त प्लांट चलता रहता है, इसको आप फुल शेड में रख लें। तो ये अभी फ़िलहाल मैं अभी एक प्लांट जो है आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ किस तरीके से प्लांट करना है, बाकी मैं फिर साथ में आपको बता दूँगा लगा के। तो ये सॉइल मैंने बिल्कुल पोरस से ली है, इसमें मैंने थोड़ी सी सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सकुलेंट वैरायटी है, सकुलेंट है तो इसमें अगर वाटर लॉगिंग होगी, पानी ज़्यादा टाइम स्टोर रहेगा तो रूट्स जो हैं रॉट हो जाएंगी, लीव्स भी गल जाएंगे। तो इसलिए आपने सॉइल मीडियम ऐसा रखना है जो सकुलेंट्स के लिए मोस्टली रखा जाता है, थोड़ा सा पोरस भी और सैंडी ज़्यादा रहे ताकि जो पानी हो फौरन ड्रेन आउट हो जाए, बहुत टाइम तक उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन नहीं रहना चाहिए। तो ये मैं इसको ऊपर से टेप को रिमूव कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से इन्होंने पैकिंग की हुई है, ये रूट्स को बहुत अच्छे से बाइंड किया हुआ है इन्होंने, सॉइल मीडियम जो है अच्छा इन्होंने थोड़ा सा क्ले टाइप का रखा है ताकि रूट्स के साथ वो सॉइल मीडियम इंटैक्ट रहे। तो ये भी मैं इसमें एक प्लांट, हर पॉट में मैं एक प्लांट को लगा दूंगा। कटिंग से भी बहुत इजीली चल जाते हैं, प्रोपगेशन अगर करनी हो इनकी कटिंग से भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं, और लीफ आप इसके लगाते हैं तो लीफ भी इस रूटिंग कर लेता है। मैंने इसकी प्रोपगेशन नहीं की कभी, फर्स्ट टाइम करूँगा अभी मैं, अभी फ़िलहाल तो प्लांट मेरे सर्वाइव कर जाएँ, थोड़े से स्टेबल हो जाएँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेज पर इनकी प्रोपगेशन पर भी वीडियो बनाऊँगा और अपना एक्सपेरिमेंट भी करूँगा कि किस तरीके से इसकी कटिंग्स चलती हैं और क्या इनका रिज़ल्ट रहता है। तो ये अभी मैं सॉइल इसमें साथ से डाल रहा हूँ ताकि रूट्स को प्रॉपरली कवर कर लिया जाए। कैलन कोई इजी टू ग्रो प्लांट है, इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज़ मुश्किल प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में जब ज़्यादा शदीद गर्मियाँ होंगी उस टाइम पर बिल्कुल इसको शेडी एरिया में रख लेना है और पानी जो है बहुत कम देना है, जब आप देखें कम्प्लीटली सॉइल ड्राई होगी उस टाइम पे पानी दें इसको, अदरवाइज़ मानसून में इसको बहुत सेव करके रखना है बारिशों से, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, बारिशें भी ज़्यादा होती हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर ज़रा सा भी इसमें ज़्यादा पानी रह जाएगा तो फिर वो ख़राब होने के प्लांट चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें टाइम टू टाइम आप फिर फंजीसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं, फंजीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं सॉइल में ताकि फंगस या इस तरह के कोई भी इशूज़ ना हों। ये मैं फुली इसकी इर्द गिर्द साइल डाल लेता हूँ प्रॉपरली कवर करके, और इसमें भी मैं वाटर नहीं दूंगा क्योंकि सॉइल थोड़ी सी डैम्पी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है सॉइल, तो इसलिए मुझे नहीं ज़रूरत अभी फ़िलहाल इसमें पानी डालने की। अभी इसको मैं कम्प्लीटली शेडी एरिया में रखूँगा कुछ दिन, जब प्लांट थोड़ा सा ठीक होने लगेगा उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा सनलाइट में ले आऊँगा, मॉर्निंग की सनलाइट 2-3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं देनी, लेकिन रखना ब्राइट प्लेस पे है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डार्क प्लेस पे आप इसको रखते हैं, रोशनी इसको चाहिए लेकिन अच्छी ब्राइट इनडायरेक्ट, या मॉर्निंग की सुबह की थोड़ी सी टाइम की 2-3 घंटे की धूप लगे। तो ये अभी मैंने तीनों प्लांट्स को लगा दिया है पॉट्स में, तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी कुछ जो हैं बर्ड्स प्रॉपरली ओपन नहीं हुई, ब्लूम नहीं हुई, लेकिन स्टिल बर्ड्स हैं, बन रही हैं, तो इस तरीके से ये प्लांट को लगाना है कैलेंडर को। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।